फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर रहे हैं और किन परिस्थितियों में, किन कारणों में उन्होंने ऐसा कदम उठाया सुसाइड का। एक 34 साल का एक्टर जो कि छिछोरे जैसी मूवी में सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले बेटे का बाप बनता है और जो उसे इंस्पायर करता है कि बेटा सुसाइड इज अ रॉन्ग मेथड, रॉन्ग गलत तरीका है, हम हमारा जीवन जीने के लिए है। और वो ऐसे मोड़ पे आके और सुसाइड करता है। एक इतना सक्सेसफुल एक्टर के मन को झकझोर देता है। कल न्यूज में पता चला कि वे लगभग 6 महीने से डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहे थे। मैं अगर बात करूं तो डिप्रेशन के लिए होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। कई मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जो सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल अटेम्प्ट्स बहुत डिप्रेशन में बहुत जबरदस्त काम करती हैं। और होम्योपैथी की एक और विशेषता है इंडिविजुअलाइजेशन। हर व्यक्ति क्यों डिप्रेशन में है उसका अलग कारण है, उसके लिए हर कारण के हिसाब से मेडिसिन डिस्क्राइब्ड हैं। मेंटल्स पे होम्योपैथी का रोल बहुत टर्फिक है, बहुत जबरदस्त है। डॉक्टर राजन शंकरन ने द अदर सॉन्ग में बहुत ही अच्छे से सुसाइडल थॉट्स की जो मेडिसिन हैं उनको, उनके बारे में डिटेल्स में समझाया है। तो मैं आप लोगों को कुछ जो प्रमुख मेडिसिन है, वैसे बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में, आपका इंडिविजुअलाइज्ड कंसेप्ट है, पर हम आज कुछ बेसिक और कुछ जरूरी मेडिसिन हैं जो सुसाइड में या डिप्रेशन में या सुसाइडल थॉट्स के दौरान हम उनको यूज कर सकते हैं ताकि हम पेशेंट को सुसाइड करने से बचा पाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सिफिलिनम जो है एंटीसिफिलिटिक, किंग ऑफ एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन है, और वो जो है वो टोटल डिस्ट्रक्शन, टोटल लॉस, होपलेसनेस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर कोई पर्सन ऐसी स्टेज में है कि किसी भी कारण से वो टोटली होपलेस हो गया है, मैं अपने जीवन में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, कुछ बैकग्राउंड नहीं है, तो सिफिलिनम इज गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल मेडिसिन। सिफिलिनम के बाद मक्सोल की बात करें तो मक्सोल हम ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जिसका हमने इंडिपेंडेंस छीन ली हो। अगर किसी व्यक्ति की आपने इंडिपेंडेंस छीन ली और रिबेल हो जाएगा और वो होमिसाइडल भी हो सकता है और किसी स्टेज पर जाके सुइसाइडल कंडीशन भी डेवलप हो सकती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम मक्सोल देंगे तो हेल्पफुल होगा। इसके बाद हम बात करें एल्यूमिना की, तो एल्यूमिना एक ऐसी मेडिसिन है कि कोई व्यक्ति अगर उसकी हम आइडेंटिटी छीन लें, कुछ भी काम कर रहा है, जैसे कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को कि तुमने जो किया है वो गलत किया है, दिस इज नॉट राइट, तुम कुछ करना, बच्चा कुछ करने जा रहा है और उसको बार बार हम लोग टोक रहे हैं, तो ऐसा बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं जाके अपने आइडेंटिटी लॉस कर देता है, वो समझ नहीं पाता है कि मैं जीवन में क्या करूं क्या नहीं करूं, और वो जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। ये इसके बाद हम आते हैं ऑरम मेट पे। ऑरम मेट जो है वो सोसाइटी एक्सेप्टेंस अगर कहीं लूज कर जाता है, ऑरम मेट गोल्ड से बनी हुई मेडिसिन है, गोल्ड का हर काम परफेक्शन से होता है, और व्यक्ति अगर हर काम परफेक्शन से कर रहा है तो एक लेवल ऐसा आता है जब वो कहीं ना कहीं जाके उसको मेंटेन नहीं कर पाता, या समाज जब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होता है, तो वो ऑरम मेट का जो व्यक्ति है वो चला जाता है डिप्रेशन में, और उसको अगर टाइमिंगली मेडिसिन नहीं दी गई तो वो सुइसाइडल अटेम्प्ट भी कर सकता है। बात करें तो नाजा एक हमारी ऐसी मेडिसिन है जो ऐसे लोगों को हम दे सकते हैं जो कि उनको मन में ऐसी फीलिंग है कि मैंने जो किया है वो गलत ही किया है, सारा काम गलत है और मैं उसको करेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति जाके सुसाइड करने के अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकता है। सो यहाँ पे अगर हम नाजा सही समय पर दे दें तो हम एक लाइफ बचाने में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें नेट्रम कार्प की,
नट्रम कार्प एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत इन्फीरियरिटी में चला गया है, कुछ भी मतलब उसको हर व्यक्ति अपने से बड़ा दिख रहा है, खुद के बारे में कुछ उसको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत छोटा हूँ और मेरा तो जीना ही व्यर्थ है। तो ऐसे व्यक्ति को भी डिप्रेशन में जाके सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उनको अगर समय से हम नट्रम कार्प दें तो बहुत यूजफुल होगी। इसके बाद हमारे पास सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए मेडिसिन है प्लेटिना। प्लेटिना का व्यक्ति अपने आप को बहुत सुपीरियर शो करेगा, कुछ भी काम हो मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बड़ा हूँ, बहुत सही हूँ, उसके काम से लेके उसके ड्रेसिंग सेंस से लेके सारी चीज़ों में बहुत सुपीरियरिटी होगी। और किसी स्टेज पे जाके जब उसको ऐसा फील आ जाए मन में कि मैं उस स्टेज को या उस लेवल को पा नहीं पा रहा हूँ, तो वो जाके और सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे में प्लेटिना बड़ी हेल्पफुल होती है। इसके बाद हम बात करें ड्यूअल पर्सनालिटीज़ की, उसके लिए हमारे पास एनाकार्डियम जैसी मेडिसिन है। एनाकार्डियम अगर हम देखें तो एक तरफ तो उसका मन बहुत अच्छा पर्सन होगा, वेरी गुड, सबके लिए जेंटल पर्सन, एंजल टाइप का पर्सन, मगर दूसरी ओर देखें तो उसका जो सेकंड साइड है उसमें वो बड़ा वॉयलेंट होगा, गालियां देना, बहुत करना। और वो जब दोनों इन पर्सनालिटी के बीच में जब व्यक्ति फंस जाता है, उलझ जाता है, तो डिप्रेशन में जाके सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोचता है। इसके बाद हमारे तरकश में है आर्सेनिक। आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक एक ऐसा मरीज जो बहुत समय से परेशान है, मेंटली बड़ा रेस्टलेस है, और उसको एक फियर ऑफ डेथ है दिमाग में कि यार मेरे क्या होगा, मेरी बीमारी। पर उसको एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब उसके मन में लगता है कि ये दवाइयाँ लेने से कोई फायदा नहीं है, मेरी मृत्यु निश्चित है। और ऐसे में जाके जब वो व्यक्ति सुसाइड करने के बारे में सोचे, तो ऐसे मरीजों में भी अगर हम आर्सेनिक का सही समय पर उपयोग करते हैं तो बड़ा हेल्पफुल होता है। सो ऐसी बहुत सारी मेडिसिंस हैं और जो इस बारे में सुसाइडल थॉट्स के लिए, सुसाइडल अटेम्प्ट्स के लिए, जब भी पर्सन डिप्रेशन में है तो होम्योपैथी जरूर से उसे यूज करना चाहिए। लाइफ इज वेरी प्रीशियस, सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। इस चीज को अपने दिमाग में अच्छे से बैठाएं, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ में अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें शेयर करें। आपके पास डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथ्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ के और उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। सो जीवन जीने के लिए है, खत्म करने के लिए नहीं है।